हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रुई मंडी सदर बाज़ार की बिल्कुल ताज़ा ताज़ा वीडियो। और आज मैंने आपको मार्केट्स की अपडेट भी दी है और जो जो कलेक्शन की आपने डिमांड की थी कि रुई मंडी में हमें ये चाहिए, होलसेल हो रिटेल हो, मैंने जानकारी दोनों की ही दी है। मोस्टली मैंने रिटेल आइटम भी कवर करने की कोशिश की है और होलसेल आइटम भी कवर करने की काफ़ी कोशिश की है। साथ ही में प्रोडक्ट्स का आपको काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिखाया है, ज्वेलरी मेकअप की आपको काफ़ी अच्छी रेंज दिखाई है। और एक कंप्लेंट मेरे पास आई थी, वो जो मैंने आपको रिंग्स दिखाई थी पिछली बार कि मैम ये रिंग्स वाले भैया हमें मिलते नहीं हैं, तो मैंने आपको इसका परमानेंट जुगाड़ यानी कि परमानेंट दुकान बताई है जिनके पास आप रिंग्स मिक्स करके भी ले सकते हैं और आप यहां से सिंगल पीस भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और वीडियो में दिखाया गया सारा ही कलेक्शन बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है और मार्केट की भी नई अपडेट आपको दे दी जाएगी कि अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या चल रहा है। और अभी जो है काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं, अभी कल ही तीज गई है। सबसे पहले कॉमेंट में ये बताओ कि आपकी तीज कैसी रही। मेरी तो बहुत अच्छी रही और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, जैसे जुकाम हो ही गया है। और आप लोग बताओ आपकी तीज कैसी रही। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपकी और भी कोई हो रुई मंडी को लेके या कोई भी सदर मार्केट की या कोई भी दिल्ली की वीडियो को लेके, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हर टाइप की वीडियो अनामिका सिंह आपके लिए लाने की कोशिश करती है और आपको हमेशा मार्केट की अप टू डेट डिटेल्स के साथ हमेशा सबसे आगे रखती है। इस वीडियो में दिखाया गया सारा ही कलेक्शन रुई मंडी सदर बाजार, दोबारा से बता रही हूँ, उसी का है। लाइव लोकेशन और फोन नंबर्स भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। अगर आप लोग होलसेल में ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं तो कुछ शॉप वाले इसमें ऑनलाइन माल भी भेज रहे थे, तो आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाली है। उम्मीद करूंगी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए उम्मीद करूंगी कि आप लोगों से मैं जल्दी मिलती रहूं अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करना चाहिए हमें। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी हो आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप बीच में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। सो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। अगर आप सारी ही मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, मार्केट में मैं जैसे ही एंटर हुई, सबसे पहले मुझे ये वाली शॉप दिखी जिसका मुझे मेकअप प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट का लगा। और जो ट्रेंडिंग ऑनलाइन वगैरह पे मेकअप मिलता है वो सब भी मुझे यहाँ देखने को मिला, प्लस इनकी प्राइस रेंज भी मुझे काफ़ी कम और काफ़ी ट्रेंडी जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो देखने को मिले। जैसे कि ये इस टाइप की आई शेडो पैलेट जो कि ग्लिटर में होने वाली थी, और इसमें छोटी पैलेट की अगर मैं बात करूँ तो भैया के पास 60 रुपये से शुरू थी, जबकि मीडियम साइज़ की पैलेट भैया के पास आपको 100-120 के आसपास देखने को मिलेंगी। और भैया पास इस टाइप की शाइनिंग में जो लिपस्टिक चलती है, इस टाइप के आइटम भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे। लिक्विड लिपस्टिक हो चाहे क्रीम मैट लिपस्टिक हो, वो सब भी भैया के पास अवेलेबल हो जा रहे थे। क्वालिटी क्या है, आप लोग जिससे लेके जाते हैं तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताना कि इनकी क्या क्वालिटी होती है। इस टाइप के जो है स्टिक वाले कंसीलर भी भैया के पास काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल सी रेंज यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह की भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इनका कोई ऐसे नाम नहीं होता पर्टिकुलरली, किसी ब्रांड से नहीं होते हैं ये, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपने कभी लिया है या आपने कभी यूज़ किया है तो इनकी क्वालिटी कैसी निकली है। उसके बाद देख सकते हैं इस टाइप की क्रीम मैट लिपस्टिक भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज में देखने को मिल जाएंगी। इनके जो कंटेनर हैं काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर होने वाले हैं, वो भी ग्लास वाले। और ये देख सकते हो इस टाइप के मस्कारा प्लस आईलाइनर का कॉम्बो आपको मिल जाएगा जो कि MN कंपनी का है। ये वाली कंपनी मैंने एक दो बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी देखी है। अगर आप लोगों ने इसके कभी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं या फिर आप आज कौन सी सिटी में हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं जहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इस टाइप के इन्हें आप लिक्विड आई शेडो कह लीजिए और इनको आप एज अ ग्लॉस एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका पर्टिकुलरली जो डिज़ाइन था ना, ये स्टार वाला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप इसे अपने साथ कैरी करेंगे तो आपका भी थोड़ा सा मतलब आपको भी लगेगा हाँ यार मेरी जो मेकअप किट है उसमें कुछ राजा महाराजाओं वाली चीज़ है। और ये देख सकते हैं इस टाइप की आपको छोटी छोटी में बीबी में आपको ये मिल जाएंगी आई शेडो पैलेट। और यहाँ पर मिलेंगे आपको ये गुलाब जल, ये 30 रुपये का होने वाला था। जी हाँ, इसकी ये सारा सदर बाज़ार की ही मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली ब्रांड नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँ, लेकिन बहुत लोग इनको लेके जाते हैं और आगे इनको सेल करते हैं। और इस टाइप का ये मेकअप फिक्सर, मेकअप प्राइमर, इस पे सब कुछ लिखा हुआ था, वो सब भी यहाँ पे मिल रहा था।
उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इस टाइप की शिमर वाली जो मैक की बहुत ज़्यादा पतली वाली ग्लिटर होती हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जा रही थी। और इसकी जो छोटी डब्बी थी वो शायद 20 रुपये की थी, और ये जो बड़ी वाली थी ये 30 रुपीज़ की थी। इसमें दो साइजेस अवेलेबल होते हैं और सिंगल पीस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे रखे हुए पीस में से भी एक पीस निकाला हुआ है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। मार्स के भी इनके पास ग्लिटर वाली जो है ये मिल जाएंगी, और इस पर मैक लिखा हुआ था, बट ओरिजिनल है या लोकल है ये लोग ये सब आप मुझे बताना, क्योंकि आप लोग जाके वहाँ खरीदी करते हो। उसके बाद मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे मिल रहे थे इस टाइप के चोकर और हैवी नेकलेसेस, एंड प्राइस रेंज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके पास इस टाइप के ब्राइडल भी रखे हुए थे, और ये देख सकते हो पीछे इनकी शॉप भी थी, लेकिन यहाँ पे बाहर इनकी पटरी लगी हुई थी। और ये इस टाइप का कुंदन वाला मिल जाएगा आपको, ये इसकी जो अभी मार्केट का रेट है वो 1500 रुपये चल रहा है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी दुकान से लें, इसे 1500 से ज़्यादा में आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो मार्केट रेट है अभी 1500 इसकी मार्केट वैल्यू है। मैंने जितना इसको मतलब देखा है 2-3 जगह पर जाके, तो 1500 मुझे एवरेज प्राइस इसका देखने को मिला है। और ये देख सकते हो इस टाइप के नेकलेस आपको देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप के नेकलेस आपको 150 से लेकर 250 के बीच में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगर कोई कुछ ज़्यादा ही हैवी नेकलेस होगा तो वो आपको 300 रुपये तक मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 150 से लेके 250 रुपये में काफ़ी अच्छे नेकलेस देखने को मिल जाएंगे। और वो जो सिंगल पन्नी वाले मैंने चोकर दिखाए थे वो 60 रुपये उनका मार्केट प्राइस है, और अभी शायद उन्हें कुछ लोग 50 रुपये में भी दे देते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कब जा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अगर आप नॉर्मल डेज पर जाएंगे तो मे भी आपको शायद कम ना मिले, लेकिन संडे में 50-50 रुपये की सेल में भी कई लोग उसको सेल करते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये कोई कविता नहीं है, नेकलेस है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक बार लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब बटन जो है उसे दबा दो, ताकि मेरी भी जो थोड़ी तसल्ली है मुझे हो जाए कि आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये वाला नेकलेस भी बहुत प्यारा था एज अ न्यूली ब्राइड, और कोई भी इसको वियर कर सकता है। उसके बाद ये देख सकते हो ये वाला नेकलेस, जी हाँ इसको भी खोल के ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है और प्यारा भी है। इसका ये न्यू डिज़ाइन आया है मुझे लगता है, एंड ये जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इसका जो मोतियों का वर्क था वो जो अमेरिकन डायमंड वाले नेकलेसेस में यूज़ किया जाता है ना, एडी वाले में जो चोकर आते हैं एडी के, वही यूज़ किया गया था। अब ये नहीं पता लो क्वालिटी थी या हाई क्वालिटी थी, इसका स्टे कितना रहेगा वो आप खुद देख लेना। तो ये थे नेकलेस वाले भैया। अब हम आ गए हैं उस शॉप पर जिसकी आपसे बात चल रही थी। ये भैया का कार्ड है, अगर आपको इनसे कुछ भी खरीदना है तो आप इनके जो कार्ड है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रुई मंडी में जो छोले भटूरे वाली शॉप है, अभी आपको लाइव लोकेशन दिखाई जाएगी, आप उसके सामने आके इनको जो है, इनकी शॉप बिल्कुल सामने ही है, ऑन रोड मिल जाएगी, ठीक है। तो इनके पास मिलती है ये रिंग्स, ये सिंगल पीस भी, एक एक पीस भी, कोई भी आप रिंग पसंद करें दे देंगे। तो जो आपने अभी बड़ी वाली मिरर वाली रिंग देखी वो 30 रुपये की थी, जी हाँ ओनली फॉर ₹30। और ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, ये है 360 रुपये दर्जन, यानी कि 30 रुपये पीस। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जी हाँ ये वाला जो पीस है ये थोड़ा ना थोड़ा वेस्टर्न में चला गया, एंड ये वाला पीस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मार्केट वैल्यू जो है इसका बाजारों में भी जो ये रेट बिकता है वो 60-70 रुपये की एक अंगूठी बेच देते हैं, जबकि शॉप्स पे इसका रेट आप काफ़ी हाई बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया, कि आपका एरिया कैसा है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, उस हिसाब से रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए ये वाला जो आप डब्बी देख रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप की अलग अलग प्राइजेस की आपको अंगूठियाँ देखने को मिल जाएंगी। कोई 120 रुपये का डब्बा है, कोई 240 का है यानी कि 20 रुपये पीस, कोई 360 का है यानी कि 30 रुपये पीस, लेकिन उससे ज़्यादा हाई रेंज इस वीडियो में आपको मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई है, केवल 10, 20, 30 और अभी 5-10 रुपये वाली आइटम भी आपको आगे मैं दिखा दूंगी। और ये देखिए इस टाइप के जो हैवी वाले जो रिंग्स होते हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिसका कॉमेंट आया था कि भाई हमें ये रिंग्स वाले भैया कभी नहीं मिलते, तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली ये शॉप ही दिखा दी है, जो कि आपको मिक्स करके भी दे देंगे और पटरी वालों की तरह एक पीस भी दे देंगे, होलसेल प्राइस में दे देंगे, घर बैठे भी माल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ इनसे लेना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो रुई मंडी में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इनकी जो दुकान है वो आपको पड़ेगी सीधे हाथ पे, और छोले भटूरे वाले जो भैया हैं रुई मंडी में, एक तो पहले ही पड़ जाते हैं, एक जो अंदर गली में पड़ते हैं, वो आपको बिल्कुल जस्ट वहीं पर देखने को मिल जाएगी इनकी शॉप। और अगर मैं इनकी शॉप का नंबर बताऊँ तो इनकी शॉप आपको पड़ेगी 12 नंबर पर, हाँ 12वें नंबर पे इनकी शॉप, सीधे हाथ पे जैसे ही रुई मंडी में एंटर करेंगे शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं इन्होंने डब्बे में कितने सारे डिज़ाइन मिक्स कर रखे हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा होगा कि भाई मैंने आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आप मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। ये देखिए
इसमें बटरफ्लाई वगैरह के भी काफ़ी प्यारे प्यारे पैटर्न मुझे भैया के पास देखने को मिले। और सबसे अच्छी बात थी कि इनकी क्वालिटी, ये क्वालिटी शायद ही आपको पटरी पे देखने को मिले, और पटरी वाले खुद दुकान वालों से ही खरीद के लेके जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉप पे जाके और भी ज़्यादा डिज़ाइन मिलेंगे, क्योंकि पटरी वाले लिमिटेड माल खरीदते हैं और उनका टारगेट होता है कि भाई हमें एक दिन में इतना बेच के अगले दिन फिर ले आना है। लेकिन वो दुकान से लाते हैं, और अगर आप दुकान से लेंगे तो आपका फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन देखिए। इस वाले में कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिक्स किए हुए हैं, और प्राइस है इसका 360 रुपये डब्बा। जी हाँ, केवल 30 रुपये पीस आपको ये पड़ने वाला है। और ये देख सकते हो यहाँ पे, आप चाहें तो सिंगल पीस भी इनसे ले सकते हैं। मैं अपने जो रिटेलर्स भाई बहन है वो बहुत शिकायत करते हैं, अनामिका आप होलसेल वालों पे ज़्यादा ध्यान देती हो, और होलसेल वाले शिकायत करते हैं, अनामिका आप रिटेल वालों पे ज़्यादा ध्यान देती हो। तो ये देखिए भैया की ये शॉप है, ये भैया जी आपको मिलेंगे शॉप पे। एंड ये देखिए, बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया है कि अभी आपको मैं शॉप भी दिखा दूंगी छोले भटूरे वाली। देखिए ये जो है ये सिंपल वाली प्लेन वाली रिंग्स है, और ये रही सामने छोले भटूरे की शॉप, और ये रही भैया की शॉप। ठीक है, ये बिल्कुल पहले नंबर पे भैया की ऑन लोकेशन, बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है इनकी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी शॉप है। और कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, ये वाली रिंग जो ब्लैक वाली है, ये इस टाइप की रिंग मैंने काफ़ी मतलब इतने दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिला। और भैया के पास इस टाइप की वेस्टर्न रिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी दुकान पर पहुंचने के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, किसी से धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी, एड्रेस नहीं पूछना पड़ेगा, आप इजीली इनकी शॉप पे पहुंच के अपना माल जितने का भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। एंड भैया का नेचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग अगर ऑनलाइन भी इनसे कुछ मंगाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से मंगा सकते हैं। और ये देखिए मैं भैया से नए नए डिज़ाइन निकलवा के आपको दिखा रही हूँ, इस टाइप के मल्टी वाले आइटम अगर आपकी शॉप वगैरह है तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। रेट मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या रेट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसी रेट के अंडर में आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन मैं हर चीज का प्राइस नहीं रिवील कर सकती। लेकिन रिटेल वालों के लिए वही है 30-40 रुपए में आपको एक पीस इस टाइप की रिंग देखने को मिलेंगी, जो आप मार्केट में 120 रुपए तक की भी लेते होगे। जी हाँ, मैंने इसमें आपको काफी रिंग ऐसी दिखाई है जिनका प्राइस बहुत हैवी है, ठीक है, मार्केट में, लेकिन अगर आप यहां से लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी। और ये देख सकते हो ये वाली रिंग इज माय पर्सनल फेवरेट, मुझे ये वाली रिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो बहुत ज्यादा क्यूट था, और इसमें ना एक मल्टी वाला आता है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। एंड ये अमेरिकन में थोड़ा सा वाइब करता है, अमेरिकन ज्वेल्स बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और आप चाहें तो इसका एक पीस भी ले सकते हैं, इसे मिक्स करा के भी ले सकते हैं, इसके मल्टी कलर में मिक्स करा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कोई भी पैटर्न आप अपनी मर्जी से मिक्स करा के ले सकते हैं। आप बाउंडेड नहीं है कि आपको एक ही पीस के सारे डिज़ाइन लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर आपको सारे ही पीस लेने हैं, जितने पीस आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि भाई ज़्यादा उनके पीसेस ना इधर उधर करो, आराम से जाके लेके शॉपिंग करके आ जाना, क्योंकि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है और जल्दी से कोई सेलर जो है प्रोवाइड नहीं करता है। इस टाइप की रिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ये देखिए ये थोड़ा ना मुझे कुंदन वाली वाइब दे रही थी, इनका जो लुक था वो बहुत हैवी था, और जो इनका प्राइस था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो ये देखिए ये हो गया है भैया का इस टाइप का कलेक्शन। भैया बाहर में ना वो सिंपल वाली रिंग्स भी रखते हैं, उसकी भी मैं एक झलक आपको दिखा दूंगी। तो बॉक्स वाली रिंग में भैया के पास मैंने आपको कितने सारे डिज़ाइन दिखा दिए, कम से कम मैंने आपको 50 डिज़ाइन से भी ऊपर दिखा दिए होंगे, और इससे भी ज़्यादा डिज़ाइन अगर आप जाएंगे तो आपको इनकी शॉप में देखने को मिलेगी। और इनकी शॉप है रूई मंडी सदर बाज़ार में, सीधे हाथ पे पड़ेगी छोले भटूरे वाली दुकान के सामने। एंड मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वाली शॉप पे जाएंगे, इनसे शॉपिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी शॉप है और कलेक्शन भी बहुत प्यारा है। प्लस आप लोगों की डिमांड थी कि मैम हमें ये वाली वीडियो चाहिए, क्योंकि हमें वो रिंग्स वाले भैया नहीं मिलते, या हमें पटरी वाले जो है मिक्स करके देने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं हम मिक्स करके आपको नहीं देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ये वाली क्वारी मैंने दूर की या नहीं की। तो ये देखिए बाहर में भैया का, ये देखिए ये मेन रोड है अपनी रूई मंडी की, काफी सारी शॉप मिलेंगी यहाँ पे आपको। ये देखिए इस टाइप के रिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसमें से कोई 30 की 12 है, कोई 20 की 12 है, कोई 40 की 12 है, कोई 50 की 12 है, अलग अलग जैसे जैसे हैवीनेस है वैसे वैसे इनका रेट है। जबकि मार्केट में ये जो मैं प्लेन वाली दिखा रही हूँ ये 10 की 1 आराम से बिक जाती है, और जो मैंने आपको ब्लैक वाली दिखाई उसका रेट 30 रुपये चल रहा है मार्केट में। इस टाइप के छल्ले आपको मिल जाएंगे, और छल्ले वल्ले काफ़ी होते हैं, और ये बच्चों का 60 रुपये की पैकेट है पूरा, बच्चों की जो रिंग्स होती हैं, और ये 30 रुपीज़ का एक पीस बिकता है मार्केट जो है इसका, जो मैंने शॉप्स वगैरह पर देते हुए देखा है, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे भाई भांजे हैं तो उनके लिए लेना देना पड़ता रहता है। और ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये वाले जो छल्ले थे ये वाले मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, थोड़ा नया डिज़ाइन आया था मार्केट में। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के एप्पल वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी प्यारे, इसमें एक मल्टी कलर भी था,
ये देखिए बहुत ही प्यारा। तो आप लोग में से कौन कौन जाने वाला है भैया के शॉप पे मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ। और इस टाइप की लेडीज़ की सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं वाली रिंग्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो मैं मॉर्निंग में पहुंची थी तो शायद इतना मुझे देखने को ना मिला हो, लेकिन दोपहर तक भैया का ये जो है ना पूरा भीड़म भाड़ हो जाता है और मैं तुरंत भैया के पास वीडियो रिकॉर्ड करके आ गई। उसके बाद जैसे ही मैं आगे गई यहाँ पे मुझे मिली ये नेकलेस की शॉप, जिसपे काफ़ी प्यारे प्यारे नेकलेसेस थे जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये वाला मल्टी कलर का होने वाला था, इसका प्राइस भैया ने 200 रुपये बोला था एंड इन 200 रुपीज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा वर्थ लगा। अगर आप इसी को किसी दुकान से खरीदेंगे तो आपको कम से कम 350-400 रुपये का आप इसे ले पाएंगे और बाजार में भी इसका रेट आपको कम से कम 300 रुपये तक देखने को मिलेगा और ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो नेकलेस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस टाइप के नेकलेस, इसका रेट अभी मार्केट में 120 से 150 के बीच में चल रहा है। बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी या फिर उसका क्या उसमें हैवीनेस होगी, उस हिसाब से उसका रेट होता है। ये देखिए ये जो पीस है ये थोड़ा अमेरिकन डायमंड वाली वाइब दे रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल अमेरिकन डायमंड नहीं है, ये उसकी कॉपी होती है। लेकिन अगर आपको इस प्राइस रेंज में यानी कि 200-250 रुपये में अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है जो कि आपका 2000 रुपये वाले नेकलेस का काम कर रहा है तो क्या ही इसमें बुरी बात है। और ये देख सकते हो ये वाला पीस थोड़ा ब्राइडल वाइब कर रहा था और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लड़का। तो आप लोग बताइए कल तीज थी, आपने तीज पे कौन से कलर की साड़ी पहनी? और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक चैनल को तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर साड़ी पहनी या फिर ड्रेस पहनी जो भी आपने पहना था प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे बहुत मजा आता है आपके खट्टे मीठे कॉमेंट्स पढ़ के। और जैसे भी आपको वीडियो लगी हो यार प्लीज कॉमेंट जरूर कर देना, उससे क्या होता है ना मुझे पता चल जाता है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की या मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो कुछ भी हो आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना। ये वाला हो गया है मल्टी का आइटम जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसका रेट भी मैंने 220 रुपीज बोला था लेकिन 200 रुपए तक आपको दे देंगे क्योंकि एक आंटी मेरे बराबर में ही खड़ी होकर उसको खरीद रही थी, आप उनकी पीछे रेड कलर की सलवार भी देख सकते हैं। सो भाई बातें करते करते कलेक्शन से आपको रूबरू कराते कराते अब वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। यहाँ पे ये क्लचेस वगैरह मिल रहे थे, ठीक है, तो अब आ गया है आप लोगों से वक्त अलविदा लेने का। उम्मीद करूंगी आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देंगे अपना, और मैंने इस वीडियो में जितना भी कलेक्शन दिखाया है आपको वो पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई होंगी। रूई मंडी सदर बाजार में पटरियां लग रही हैं लेकिन जितनी मैंने आपको दिखाई हैं लिमिटेड कुछ कुछ लग रही है, कुछ कुछ हट रही है। चूड़े वगैरह का भी काफी अच्छा कलेक्शन रूई मंडी में आया हुआ है लेकिन वो सब मैंने आपको अभी ताजी वीडियो में दिखा दिया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको कुछ यूनिक कवर करके दिखाया है। उम्मीद करूंगी आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड मेरी वीडियोज को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। एंड प्लीज गाइज अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को मेरी जरूर लाइक करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में भाई थोड़ा बहुत बता देना कि हमने क्या गलती की। तो मैं जल्दी मिलूंगी आपसे, सी यू सून विद अनदर वीडियो, बाय।